पलान पर पुरौला में व्यापार मंडल का बयान, मंडल ने किसी को दुकान बंद करने को नहीं कहा, समुदाय विशेष के दुकान खोलने से दिक्कत नहीं, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरौला क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये यहाँ का मेन मार्केट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में तमाम दुकानें खुली हुई हैं, रौनक है, ग्राहक भी आ रहे हैं और दुकानदार भी अपने अपने जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इसी के बीच कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनके शटर आपको बंद दिखाई देंगे और इस शटर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया था जिसका कुछ हिस्सा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक चेतावनी पोस्टर था और चेतावनी पोस्टर में लिखा गया था कि 15 जून के महापंचायत से पहले ये दुकानें खाली करके यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आगे का अंजाम भुगतना होगा। इस पोस्टर की जिम्मेदारी देवभूमि बचाओ अभियान ने ली थी और ऐसे तमाम दुकानें यहाँ मार्केट में मौजूद हैं जो कि इस वक्त बंद हो चुकी हैं और यहाँ से दुकानदार जा चुके हैं। किस चीज़ की दुकान थी, किसकी दुकान थी, ये जानने के लिए पड़ोस के ही दुकान में चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम TPS भंडारी है। आपके पड़ोस में किस चीज़ की दुकान थी? सर, ये सैलून का दुकान था। ये किसकी दुकान थी? कोई एक लड़का करके, सहबाज करके नाम था, उसकी दुकान थी। और ये कब से बंद है? अभी जब से यहाँ पे हंगामा हुआ 8-10 दिन से, तब से बंद है, लगातार बंद है। यानी 27 मई से ये दुकान लगातार, अभी ये घटना 27-28 मई को हुई, तब से दुकान बंद है। तो आप देख सकते हैं कि 27 मई से ये दुकान लगातार बंद है और ये एकमात्र दुकान नहीं है इस मार्केट की। इस तरह की कई दुकानें हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा चलाई जा रही थी और ऐसी तमाम दुकानें इस वक्त यहाँ पर बंद हैं। 26 मई के बाद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ क्योंकि एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने की घटना का मामला सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लोगों को हिरासत में भी लिया और आगे की जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसके बीच में पुरौला में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, लोग विरोध कर रहे हैं और यहां से मुस्लिमों का पलायन भी हो रहा है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, यही जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ के तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। मार्केट कमेटी के यहाँ पर अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसी क्या घटना हुई कि अचानक से कुछ शटर डाउन होने लगे और तमाम शटर खुले हुए? ऐसी जो यहाँ पे 26 तारीख को जो है घटना हुई है, एक मुस्लिम युवक, एक हिंदू युवक जो है एक लड़के को यहाँ से ले जा रहे थे दिन दहाड़े, और यहाँ के जनता ने जो उनको पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। इसी घटना पे जो है ये सिलसिला चल रहा है। बाकी ये है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता पे बड़ा आक्रोश है और इन लोगों ने दुकानें बंद कर रखी है। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते जो है ना, तो हमने इनसे ये बोला कि आप दुकानें बंद करिए और ना हम ये बोल रहे हैं कि आप खोलिए, अगर आप खोलते हैं तो अपना देख लीजिए। हम व्यापार मंडल के इसमें कोई रोल नहीं इनकी दुकान बंद कराने में, ये लोग जो है स्वयं दुकानें बंद कर रहे हैं और यहाँ से अपने काम पे कई लोग जो है नीचे जा रखे हैं। पुरौला के बाजार में जिस सैलून शॉप से आपने अभिजीत की ये रिपोर्ट देखी है, उसके संचालक सैफ अली का क्या कहना है? आपको बता दें, वो कह रहे हैं कि जिसकी गलती है उन्हें सजा मिले, कुछ लोगों की वजह से हमारा काफी नुकसान हो रहा है। मैं बचपन से यही हूँ, हमारे पापा 30-40 साल पहले आ गए थे यहाँ पे, फिर पापा की डेथ हो चुकी है अलग बात, पर हम बचपन से ही रह रहे हैं, ऐसा कोई हमारा कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, बचपन से ही रहते हैं। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी दुकान नाई की दुकान है, चौराहे पे, 2 मंजिला, दोनों दुकान मेरी है, लेडीज जेंट्स है इसमें। कब से बंद है वो? 26 तारीख से बंद है, 26-27 तारीख से, जब से मामला हुआ उस तब से बंद है। किसने कहा बंद करने को? बंद करने को तो किसी ने नहीं कहा, फिर उस टाइम पर रैली निकली, खैर व्यापार मंडल वालों ने भी हमें मना नहीं करा, पर जब रैली निकली तो उस चक्कर से बंद करनी पड़ी, बस तब से लगातार बंद है। तब से लगातार बंद है, नहीं कर पाएंगे। हम तो देखो सर, हम रोज़ के काम करने वाले हैं, अगर रोज़ रेगुलर काम करेंगे तब जाके घर पे खाना बनता है, ऐसा जो भी है। अब फिलहाल हम इधर उधर से काम चला रहे हैं अपना। अब बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका पैसा अपना है वो कहीं भी खोल सकते हैं, हम तो कहाँ जाएंगे। हमारा तो कहना ये है, देखो जिनकी गलती है आप उनको सजा दो, जो भी उनके साथ संलिप्त है उनको भी सजा दो, उनके खिलाफ़ हम प्रदर्शन करने को तैयार हैं, पर आप हो सके तो हमारा मतलब काम देखो, हमारा वो ना करो, काम का बहिष्कार ना करो।